नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश। दोस्तों, आज बात करेंगे सुबह जल्दी उठने की आदत की। अच्छे शेड्यूल और अच्छी हेल्थ के लिए हम अक्सर खूब प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती। वजह है आलस और अच्छी आदतों के फायदों के बारे में पूरी जानकारी ना होना। ऐसी ही एक आदत है सुबह जल्दी उठना। बेशक सुबह सुबह की नींद का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन यकीन मानिए इस मज़े को त्यागने के फायदे भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप अब तक जानते नहीं हैं तो ये तुरंत जान लीजिए। आदतों को अपनी दिनचर्या में शुमार कर लें और कई समस्याएं अपने आप ही आपकी सुलझ जाएंगी। इससे जहां मोटापे को दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं तनाव, एसिडिटी, डिप्रेशन, शरीर में सुस्ती, पेट में गैस जैसी परेशानियों से भी दूर भागेंगे। दरअसल कई रिसर्च से साबित हो चुका है कि हमारी नींद, प्रोडक्टिविटी और सेहत आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से ये बात भी उभर कर आई है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वे कई कॉमन परेशानियों से दूर रहते हैं। जल्दी उठने से हमें अपने काम पूरे करने, ऑर्गेनाइज होने और एक्सरसाइज करने और दिन की प्लानिंग बनाने का वक्त मिल जाता है। साथ ही सुबह उठने से पेट भी आसानी से साफ होता है और शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है। ऐसे में सेहत और शेड्यूल दोनों ऑर्गेनाइज रहते हैं। यही नहीं, जल्दी उठेंगे तो सोएंगे भी जल्दी ही, तो सेहत के लिए वो भी बेहतर है। चलिए अब एक एक करके सभी फायदों के पे बात कर लेते हैं। पहला फायदा, शरीर में आलस नहीं रहता। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हिडलबर्ग के जीव विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफर रेंडलर का कहना है कि सुबह जल्दी उठना मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। सुबह उठने वाले लोगों में सोचने की क्षमता और समस्या को सुलझाने की कला बेहतर होती है। ऐसे लोग ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, इनकी एकाग्रता और मेमोरी भी बेहतर होती है। फायदा नंबर दो, प्राकृतिक पोषण। सुबह के शुरुआती घंटे हमें प्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। जल्दी उठकर आप अपनी बालकनी में योगा या आसपास के पार्क में टहलने जैसी आसान आदत से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं सुबह सुबह का वातावरण और ऑक्सीजन आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। फायदा नंबर तीन, आराम से नाश्ता करने का समय। सुबह जल्दी उठने का एक बड़ा फायदा होता है कि आपको आराम से नाश्ता करने का भरपूर समय मिलता है और नाश्ता कभी स्किप नहीं होता। डॉक्टर एक बात हमेशा कहते हैं कि स्वस्थ रहना है तो भले थोड़ा खाएं, लेकिन सुबह का आहार कभी छूटना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अगर आप हेल्दी दूध का ग्रहण करते हैं तो आपको कभी हड्डी व जोड़ों से संबंधित समस्याओं नहीं आएंगी। फायदा नंबर चार, एक्सरसाइज का सही समय। सेहत के लिए सबसे बेहतर समय सुबह का होता है। जब आप एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करते हैं, ये पूरे दिन आपको फिट और मानसिक रूप से शांत व एकाग्र रखने में सहायक होता है। फायदा नंबर पांच, शांति का अनुभव। सुबह जल्दी उठने की अहम बात यह है कि आप भागदौड़ भरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही अपनी सुबह की शुरुआत कर देते हैं। शांति में समय बिताने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फायदा नंबर छः, ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। सुबह के शुरुआती घंटे हमें ऑर्गेनाइज होने का समय देते हैं। अपने पूरे दिन की योजना बनाने के लिए उस समय का उपयोग हर चिंता को कम करता है। जल्दी उठना दिमाग की सेहत के लिए तो बेहतरीन है ही, आपकी एकाग्रता को भी बढ़ाने के लिए भी ये बेहतरीन साबित होता है। अगर पढ़ाई या ऑफिस के कुछ काम या पेपर वर्क है तो सुबह इन्हें एकाग्रता के साथ खत्म किया जा सकता है। फायदा नंबर सात, सुबह जल्दी जगते हैं सफल लोग। एप्पल के CEO टिम कुक और डिज्नी के CEO रॉबर्ट आइगर सुबह 4:30 बजे सोकर उठते हैं। लोरा वेंडरकम अपनी पुस्तक व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट में लिखती हैं कि सफल लोगों के दिन की शुरुआत सुबह जल्दी सोकर उठने से होती है। जल्दी सोकर उठने से आप अपनी जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। आप भी नई शुरुआत करने के लिए सुबह 5 बजे के क्लब के मेंबर बनने के लिए इसे धीरे धीरे अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। वहीं जेफ सैंडरसन अपनी किताब द सेम मिरेकल पोस्टकार्ड में कहते हैं, सुबह के समय आप अपनी ताकतवर स्ट्रेटजी के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं।
आप इसके जरिए जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे बनाएं? तो यूं तो ज़्यादातर युवाओं और विद्यार्थियों के जीवन देर से सोने की आदत होती है और देर से उठने की आदत होती है। अधिकतर लोग वही आदत प्रोफेशनल लाइफ में भी जारी रखते हैं। हालांकि जीवन निरंतर चलता रहेगा, लेकिन भविष्य में आपको इससे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जल्दी उठने की प्रक्रिया को रात की दिनचर्या से एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। पूरे दिन की योजना को 10 मिनट के स्लॉट में विभाजित करें। अलार्म बजने पर आलस को पास ना आने दें। कोशिश करें, मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।